राम राम, जय हिंद। तो पतंजलि की तरफ से एक लॉन्च हुआ है न्यूटिला वेट गेनर, जो कि बाबा जी ने लॉन्च किया, और बाबा जी का दावा है कि 1 महीने में आप इससे 5 से 7 किलो तक वजन कम कर सकते हो। क्या इसकी सच्चाई है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसका जो पैकिंग है वो किस तरीके की है और प्राइसिंग क्या है। देखो, 500 रुपये का या 495 रुपये का आपको मिल जाएगा, मार्केट प्राइस है, मतलब अमेजोन पे हमें 495 का मिल गया था। बनाना फ्लेवर का हमने मंगाया था, एक बड़े से बॉक्स में आया और उसमें पीली मतलब ब्लू कलर की पन्नी से रैप था पूरा, बेसिक सी पैकिंग थी, और ये डब्बा आधे से कम था, मतलब इतना बड़ा डब्बा था, हमें नहीं समझ में आ रहा क्यों इतना डब्बा भेजा बड़ा, और उसमें आधे से भी कम में आपको इसमें पाउडर मिलेगा, जिसके साथ आपको एक स्कूप भी मिलेगा। तो ये तो बात हो गई पैकिंग और प्राइसिंग की। अगला पॉइंट आता है कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है। तो पतंजलि का प्रोडक्ट है तो हर्ब्स तो जरूर होंगे, तो 11 हर्ब्स मतलब कि 11 तरीके के आयुर्वेद आपको मिलेंगे इसमें। उसके साथ साथ 12 मिनरल्स जैसे कि जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और 13 विटामिन्स, विटामिन ए, बी, डी, के, ये सब विटामिन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सोया प्रोटीन आइसोलेट का ब्लेंड मिल जाएगा, एमल्सीफायर सब्सटेंस कुछ यूज़ किए गए हैं, फ्लेवर्स के लिए कुछ ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा शुगर ऐड की गई है, साथ ही साथ इसमें माल्टोडेक्सट्रिन जो कि एक शुगर का ही फॉर्म है, जो इसको थिकनेस करने के लिए, इसको थिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि केक में भी, कई केक में भी एमल्सीफायर और माल्टोडेक्सट्रिन का यूज़ किया जाता है। देखो, एमल्सीफायर जो होता है वो एक सोया ऑयल की तरीके ही होता है, तो उससे उतना नुकसान नहीं है, लेकिन माल्टोडेक्सट्रिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो इसकी सर्विंग के बारे में पता कर लेते हैं। एक सर्विंग 15 ग्राम की है, टोटल सर्विंग आपको मिलेंगी 33, पर सर्विंग में आपको मिलेंगी 65 कैलोरीज, जिसमें मिलेगा आपको 3 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम शुगर जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है शुगर का, 2.5 ग्राम एडेड शुगर, कुछ अमाउंट में विटामिन्स और कुछ अमाउंट में मिनरल्स। अब अगर आप इसको एक ग्लास फुल क्रीम मिल्क के साथ इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ आपको इसमें मिल जाती है, देखो दूध की जो कैलरीज होंगी वो लगभग 150 से 200 ग्राम हम लेके चल 200 कैलरीज हम लेके चल रहे हैं, तो 250 कैलरीज हो जाएंगी, 7 से 8 ग्राम आपका प्रोटीन हो जाएगा, तो शुगर भी बढ़ जाएगा और शुगर भी बढ़ जाएगा, फैट परसेंटेज भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर सर्विंग की। अब आखिरी बात आती है कि इसका टेस्ट कैसा है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो टेस्ट की बात करें तो 10/10 है, क्योंकि मीठा है तो जाहिर सी बात अपनी जुबान को मीठा ही पसंद है, और केले के फ्लेवर के साथ साथ पूरा मजा आ जाता है, तो आप टेस्ट की अगर बात करोगे तो 10/10 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं, फिर आपको अगर लेना हो तो आप ले लेना। अगर आप इसकी 2 सर्विंग भी ले लेते हो, मान के चलते हमने 30 ग्राम इसका जो वेट गेनर है वो डेली बेसिस पे लेना चालू कर दिया है, अब 30 ग्राम जो वेट गेनर, उसमें आपको मिलेंगी 130 कैलोरीज, उसके साथ साथ 6 से 7 ग्राम प्रोटीन, 16 से 17 ग्राम आपको शुगर मिलेगा, जिसमें कि 5 से 6 ग्राम एडेड शुगर होगा, और 30 ग्राम का प्राइस आपको पड़ेगा वही लगभग 30 रुपये। 30 ग्राम का प्राइस कितना पड़ेगा, लगभग वही, हाँ, 30 रुपये के आसपास, 30-35 के बीच में पड़ेगा। अब आप ये समझो 30-35 रुपये आप दे के डेली बेसिस पे क्या ले रहे हो, चीनी, माल्टोडेक्सरिन चीनी का ही फॉर्म है जो कि इसको थिक करने के लिए किया जाता है। इन्होंने खुद मेंशन किया है कि भैया 8 ग्राम तो आपको शुगर ही हम दे रहे हैं 15 ग्राम में, अब सोचो। उसके बाद एमल्सीफायर जो कि एक सोया ऑयल का फॉर्म है, अच्छी बात है, वो केक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। माल्टोडेक्सरिन क्या करता है कि कई बार माल्टोडेक्सरिन जो होता है वो आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ला देता है, तो कई वेट गेनर में आपने देखा होगा जब आप पीते हो तो आपको ब्लोटिंग जैसा फील होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो मेरा डिसीजन यही रहेगा कि अगर आप अच्छी तरीके से वेट गेन करना चाहते हो तो वेट गेनर, इस वेट गेनर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, इसको बाय करने की जरूरत कतई नहीं है। आप अगर चाहते हो कुछ खरीदना तो आप थोड़े पैसे और जमा करो और आप एक अच्छा सा वे प्रोटीन परचेज कर सकते हो, लेकिन आपको पतंजलि का ये जो न्यूट्रिला वेट गेनर है इसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत कतई नहीं है। तो आज का छोटा सा वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और हम एंजॉय करते हैं छोटी सी ये जो मील है, मतलब ये वेट गेनर का जो शेक है, टेस्टी बहुत है इसलिए सिर्फ हम पी रहे हैं, बाकी और कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो हम एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करो वीडियो, कल फिर मिलते हैं एक डिटेल वीडियो के ऊपर, डिप्रेशन या फिर पॉर्न के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।